हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो देखिए, मैंने अपने सारे पीस कट कर लिए हैं, तो मैं आपको उनका फटाफट इनका नाप बता देती हूँ। तो देखिए, ये मैंने 5-5 इंच का एक पीस लिया है, ये भी सेम है। ये हमें क्या करना है फ्रेंड, हम इन दोनों को आपस में जॉइंट करना है। तो मैं इसका भी जॉइंट बताऊँगी आपको। ये मेरे 4.5-4 इंच के 2 पीस हैं, और ये जो है मेरा 3.5 इंच का एक पीस है, ये 2.5-2.5 इंच के 2 पीस हैं। आप चाहे तो 3 इंच भी ले सकते हैं। ये मेरे 4.5-4.5 इंच के 2 पीस हैं, सेम 2 पीस ही हैं फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, हमें इनका भी ऐसे ही यूज करना है। तो ये देखिए, ये भी हमारा इस तरीके से लग गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इनके डबल शेड वाले पीस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लाइन लगाएंगे, जो हमें हमारी एक्स्ट्रा हमें बीच की लाइन छोड़ के साइड साइड में सिलना है। सेम हम ऐसे ही इसको भी ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें भी हम ऐसे ही लाइन लगाएंगे और हमें फिर ये डबल शेड वाले पीस मिल जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इस पर भी लाइन लगा ली है। ये हो गए हमारे 2 पीस तैयार। अब इसमें भी क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि इसमें भी हमें लाइन लगानी है। ये देखिए, ये लाइन लग गई है। हमें क्या करना है, कोने से कोने तक लाइन लेनी है। तो ये हमारा हो गया फ्रेंड्स। तो इसको भी हमें सिलना है, और इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो पीस है हमारा, इस पीस को, ये जो हमारे 2.5-2.5 इंच के हमने लिए हैं, इसको हम बीच में से लाइन लगा लेते हैं। मैंने लगाई हुई है फ्रेंड्स। तो मैं आपको, ये देखिए, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको बीच में से कट करेंगे। तो ये हमारा जो 2 पीस थे, अब हमारे 4 पीस हो गए हैं। तो ये 4 पीस हो गए। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस पीस को इसे यहाँ रखेंगे और सिल के पलट देंगे। फिर इसके बाद हम ये वाला लेंगे, क्योंकि सामने सामने वाला पीस लेना है पहले फ्रेंड्स। तो इसको भी यहाँ से सिलेंगे, फिर पलट देंगे। फिर जब ये दोनों सिल जाएंगे, तब हम इसको भी ऐसे ही रख के यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। इसको भी फ्रेंड्स ऐसे ही करेंगे, यहाँ सिलेंगे और पलट देंगे। तो ये हम सब कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये सिल गए हैं। इसके अभी हम फिनिशिंग से बाद में कट करेंगे। पहले ये देखिए, ये हमने सिल लिए हैं। अब इसका क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम बीच में से कट करेंगे। कपड़ा संभाल के रखिएगा फ्रेंड्स, कभी कोई कपड़ा पीछे का इसमें ना जाए। तो ये देखिए, ये बन गए हमारे डबल शेड के पीस। तो इसको हम फिनिशिंग से बाद में कट करेंगे पहले फ्रेंड्स। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको कट कर लिया हमने। बाद में हमें जितने इंच के चाहिएंगे, हम उसके बाद के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से इनको बाद में कट करेंगे। तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारा ये पीस है, तो हम इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कट कर लिया, ओपन कर लिया है। तो हम पहले इनको फिनिशिंग से कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन पर प्रेस कर लिया है। अभी हमारे बिल्कुल सेट बैठ गए हैं अच्छी तरह से। इनकी जो भी सलवट थी वो ख़त्म हो गई है। अब क्या करेंगे, ये 2 पीस लेंगे और हमें इस पेस को रखना है बिल्कुल लाइनिंग पे, कोने से कोने मिले होने चाहिए फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हमें ये रख दिया है। अब क्या करेंगे हम, जो ये डिजाइन है हमारा इस तरफ ऐसे आ रहा है, तो हमें सिलाई इस तरीके से लगानी है। तो हमें यहाँ से सिलना है। यहाँ से सिलने के बाद ये इस तरीके से ओपन होगा फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हम यहाँ एक सिलाई लगा लेते हैं। जैसे मैंने आपको इन पीसों में सिलना बताया था, सेम ऐसे ही सिलना है। तो मैं स्केल की मदद से लाइन लगा लेती हूँ और सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पीस तैयार हो गए हैं, मैंने इनमें सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे हम, बीच में से इसको कट करेंगे। तो हम बीच वाली लाइन पे, जो हमने स्केल की मदद से लाइन लगाई थी, उस पे से हम कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरीके से ओपन होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको पहले फिनिशिंग से कर लेते हैं फ्रेंड, फिर इसको हम जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम कट करेंगे, क्योंकि अब हमें अपना डिजाइन सेट करना है। तो हम डिजाइन के अकॉर्डिंग ही इसको पीस को कट कर लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, अभी पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इनका सही नाप बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पीस सफाई से, फिनिशिंग से वो कर लिए हैं, प्रेसिंग कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा पीस है,
इसको हम अच्छे तरीके से नापेंगे। तो ये हमारा 4.25 आ रहा है फ्रेंड्स। तो हमें भी क्या करना है, हमें इन सारे टुकड़ों को 4.25 के हिसाब से कंप्लीट ही कट कर लेने हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा है वो कट कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, मैं इस पीस को ऐसे रखूँगी, ये देखिए मेरा ये बराबर आ रहा है, तो मैं फिनिशिंग से इनके कोने कट कर दूँगी और इनको भी मैं इसी तरीके से नापूंगी। देखिए फ्रेंड्स, तो मैं इनके फिनिशिंग से इनको कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपने पीस सारे फिनिशिंग से कट कर लिए हैं सेम नाप के। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका डिज़ाइन सेट करके दिखाती हूँ, फिर आपको सिलना बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, हम इनको बारी बारी सिलेंगे। तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले यहाँ इसको रख के सिलाई लगाएंगे और पलट देंगे। सेम हम ये करेंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे और पलट देंगे। ऐसे ही हमें बारी बारी ये पीस सिलने हैं। तो मैं इन तीनों को, तीनों लाइनों को सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरे तीनों पीस सिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे, हम सिलेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ इसको ऐसे रख लेंगे, यहाँ हम एक एक पिनअप कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई सिलाई से जुड़ी रहे बिल्कुल, जॉइंट से जॉइंट। और फिर हमें ऐसे सिलेंगे फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम इसको सिलने के बाद पलटेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स। इसको भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ ऐसे रखेंगे जॉइंट से, इन जॉइंट्स को यहाँ पिन अप करेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे और पलट देंगे। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और बिल्कुल मैंने अच्छी तरीके से इसको सेट कर लिया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड। तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।